हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। और न्यू ब्लॉग में मैं बताई हूँ स्किन केयर के बारे में, और हमारा जो प्रोडक्ट है तो कैसा हमारा स्किन के लिए अच्छा है और स्किन को हमको कैसे केयर करना है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप नया है तो मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसमें जितना सारा जानकारी है उसको अच्छे से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर स्किप कर लिए तो कैसा अप्लाई मैं की हूँ वो आपको पता नहीं चलेगा। और बोलते हैं ना, आधा अधूरा काम बिल्कुल नहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके। अभी देखिए वो कैसा प्रोडक्ट है और कैसे स्किन को अच्छा, हेल्दी और अच्छा और अच्छा वो कर सकता है केयरिंग करके। और ये स्किन ट्रीटमेंट के बारे में पूरा दिया गया है, उसको ध्यान से देखिए। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ भारती गोड़ा फ्रॉम बिलासपुर। आज मैं लेके आई हूँ स्किन फॉर्मूला 9। स्किन फॉर्मूला का 9 बारे में बोल रही, तो आप सोच रहे हो और स्किन तो आप सोच ही ली हैं, और स्किन और केयर का मतलब चेहरा को केयर करना। हम ऐसे हैं, मतलब हमको हर चीज़ आता है, लेकिन स्किन के ऊपर जब आता है ना, हम लोग क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। क्या ना, हर चीज़, घर का हर काम हम धंधा सब करते हैं, लेकिन स्किन का ज़रूरत भी रखना ज़रूरी है। और लेडीज़ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन खुद का स्किन को कभी कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आज लेके आई हूँ। अगर आपके चेहरे में पिंपल है, झाई है और फाइन लाइन है, तो उसको क्लीन कर, अगर चेहरे में जो पिंपल जाने के बाद जो गड्ढे रह जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये है क्लींजिंग ऑयल है उसमें, और क्लींजिंग ऑयल ये है स्किन फॉर्मूला 9 का है, और ये प्लस स्विट्जरलैंड का ब्रांड है और यहाँ का नहीं है। तो प्राइस आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। महंगा क्यों पड़ेगा मैं भी आज बताऊँगी थोड़ा सा, और मार्केट से ये बेस्ट क्यों है। ओके, अगर आपका चेहरे में पिंपल, अगर झाइयाँ हैं, उसको आप कैसे यूज करना है, इसका सिर्फ 2 बूंद ही आपको लेना है। मैं इसमें 2 बूंद ही ले ली हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और इसको दिन में 2 बार ही यूज करना है। और थोड़ा सा पानी हमको चाहिए, 2 बूंद, जैसे इसको मिला लिए दोनों हाथ में का। हम क्या करते हैं ना, अगर क्रीम या कुछ भी लगाते हैं हम ये वाला फोर्स यूज करते हैं, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमारे उंगली में ही यूज़ करना है। और उंगली में थोड़ा सा मैं उसको मिक्स कर दे रही हूँ, और इसमें मिला गया है बादाम का ऑयल है और अरंडी का तेल भी है उसमें यूज किया गया है उसमें है। तो इसको सिर्फ मिला के मेरे को 5 ही डॉट करना है। ओके, करना है। और हमारा ये कि आदत है, हम लोग क्या करते हैं ना, चेहरे में लगाते हैं लेकिन गले को छोड़ देते हैं, और चेहरा और गले का इसीलिए हमारा कलर चेंज होता है। इसीलिए हमको ना, जब करना है कुछ भी यूज करना है, चेहरे में भी करना है, गले में भी करना है। मैं उसको लगा ली हूँ, इसको थोड़ा सा ही सिर्फ मसाज करना है आप लोग को। ज़्यादा भी मसाज नहीं करना है, मात्र 2 सेकेंड में आपको मसाज करके इसको धोना है, पोछना नहीं है। लोग भी क्या करते हैं ना, इसको पोछ के ना जैसे सो जाते हैं, अगर पोछ के भी सोएंगे ना, वो क्या होता है ना, चेहरा का पूरा ड्राई हो जाए। इसलिए हमको ना, ये क्या है ना, क्लींजिंग और टोनिंग भी काम करता है। आप तो सब जानते हैं हमारा जो स्किन का है ना, 3 लेयर है, और 3 लेयर में ये अंदर जाके ही पूरा जितना हमारा डार्क वो है ना, उसको साफ करता है। अच्छे से साफ हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही झाग निकलता है, और मैं अभी तुरंत अभी धो के आती हूँ। उसको पोछना नहीं, और दोबारा बोल दे रही हूँ, उसको धोना ही है, 2 सेकंड मसाज करके उसको धोना है। अभी मैं चेहरा धो के भी आ गई हूँ, आप भी चेहरा में धोई हूँ, आपको थोड़ा सा तो फर्क नजर आ रहा होगा। तो उसके बाद हम क्लींजिंग टोनर से चेहरा साफ कर लिए, और इसका है हमारा जो क्रीम है ना, वो क्या करता है, ऊपर का जो लेयर है ना, उसमें सब
ऊपर का लेयर में ही यूज होता है। वो जो ये जो सीरम है, ये जो मैं अभी बोली हूँ, थ्री जो लेयर है स्किन का हमारा, ये थ्री लेयर के अंदर में जाके पूरा साफ करता है चेहरा। इसीलिए हमारा जब देखेंगे जो पिंपल का जो दाग होता है ना, उसके उसका जो गड्ढा गड्ढा रह जाता है, उसको भी ये मिनिमाइज करता है। और आप यूज करेंगे 15 दिन 1 महीने में आपको तुरंत ही फर्क पता चलेगा। और इसको यूज कैसे करना है, सिर्फ रात में ही करना है, और इसका भी वही प्रोसेस है, सिर्फ 2 ही बूंद लेना है और चेहरे में उसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मसाज करना है, 2 सेकंड के लिए, फिर आपको चेहरा नहीं धोना है, चेहरे नहीं धोए वैसे ही सोना है। और सुबह उठ के जैसे गर्म पानी में बिल्कुल नहीं, और सुबह उठ के जो नल का जो ठंडा पानी आता है उसमें उसमें से ही हमको चेहरा को धोना है। और चेहरा कैसे धोना है, जैसे नल खोल लिए उसको ना सिर्फ छिड़कना है और ऐसे पूरा धोना नहीं है। जब तक छिड़केंगे ना, तब हमारा जो पोर्स होता है ना, वो जो खुला रहता है, उसका जितना अंदर का डस्ट है वो पूरा निकल क्लीन हो जाएगा। और आपको फिर साबुन यूज नहीं करना है। जब जितने बार आप धोएंगे, अगर आपको 30+ है, नहीं तो 25+ है, तो आप ये डीप क्लींजिंग ऑयल और इसको आप यूज करिए, फिर मेरे को बताइए कैसा है प्रोडक्ट करके। और विटामिन सीरम आपके मन में आता होगा, विटामिन सीरम तो मिलता है हमको मार्केट में करके, आता है ना दिमाग में, लेकिन मार्केट से हमारा ये वेस्ट क्यों है? मार्केट का जो सीरम है उसमें क्या है ना, केमिकल रहता है, और ये नॉन केमिकल, इसमें केमिकल चीज कुछ भी नहीं यूज होता है। ये जैसे हमारे घर में जैसे हर चीज होता है, हम क्या सोचेंगे ना, घर में हर चीज को यूज करके हम उसी से कर लेंगे, लेकिन उसमें नहीं होता है, वो प्रोसेस होता है, उसमें कितना प्रोसेस होके फिर ये बनता है। और इसमें है पपाया जो है ना, हम जो पक्का वाला पपाया है, तो आप जान थोड़ा सा मार्क करिएगा, पपाया जब काटते हैं उसके अंदर से जो व्हाइट व्हाइट का आता है ना, सीरम टाइप का, तो वो चीज इसमें मिलाया गया है। और आप देखिएगा जो स्क्रब होता है ना, वो कैसे होता है, स्क्रब दाना 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 होता है पपाया का स्क्रब, और इसमें दाना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ सीरम है। सीरम क्या है ना, थ्री लेयर को काम करता है। और एक चीज है, जो मार्केट में जो बोतल रहता है वो क्या है ना, ट्रांसपेरेंट में रहता है, लेकिन हमारा जो बोतल है ये देखिए पूरा कांच का बोतल है और ब्राउन कलर का है। ये ब्राउन कलर का क्यों है, मतलब अगर व्हाइट रहता है तो क्या है ना, जो सूर्य का जो रोशनी है इधर इधर से पूरा ट्रांसफर दिखाई देता है, इसमें पूरा बिल्कुल नहीं दिखाई, मतलब हमारे ये सेफ्टी से बनाया गया है, ये बहुत दिन तक रहे और अच्छा, मतलब जैसे प्लास्टिक का बोतल भी रहता है ना, वो थोड़ी दिन के लिए फिर उड़ जाता है उसका, और भी केमिकल भी रहता है ना, वो खराब हो जाता है। ये हमारा बोतल केमिकल फ्री है और इसमें है ना सूर्य रोशनी ना अंदर नहीं जा पाती, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है ना कांच में रखा गया है। तो इसमें है पपाया है और प्लस लेमन जूस है, उस जो स्किन के लिए बहुत मस्त है, और ये जेंट्स के लिए बहुत मस्त है। क्या है ना, जब सीजन चेंज होता रहता है, हमारे लेडीज लोग का चेहरा क्या है ना चेंज होता रहता है, जैसे ऑयली ड्राई ऐसे होता है, लेकिन जेंट्स का ऐसा चेहरा है वो हर टाइम ही ऑयली रहता है, स्किन चेंज नहीं होता है, इसीलिए उनके लिए और जरूरी है। और अगर आपका डार्क डार्क फाइन लाइन है और अगर चेहरा में गड्ढे में हो, तो इसको आप बहुत यूज करिए। और इसको कैसे करना है यूज, और ये जैसे रात रात में सोने से पहले डीप क्लींजिंग से चेहरा साफ कर लिए, इसमें सिर्फ 2 ही बूंद लेना है, ये देखिए सीरम। ओके ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा ली हूं, ज्यादा भी नहीं ली हूं, ये देखिए जैसे बोली, यहां का जो है ना इसको यूज नहीं करना है, इसकी उंगली का ही यूज करना है। क्या करना है, 2 सेकंड ही मसाज करना है, अगर मसाज आप नहीं है तो सिर्फ राउंड राउंड घुमाना है और कुछ नहीं है, सिर्फ राउंड राउंड घुमाना है। हो गया, और इसको और कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए चेहरा।
और इसको ज़्यादा भी नहीं बोलती हूँ मैं, 15 दिन आप यूज करके देखिए, फिर मेरे को ना मैसेज में डालिए ठीक हुआ है नहीं है करके, अगर आप सकते हैं और मैसेज भी आप कर सकते हैं ले सकते हैं। ठीक है, और सुबह उठ के सिर्फ धोना ही है और कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ के आपको। और एक चीज, स्किन पमला 9 आप जब यूज करते हैं आपको ना मोबाइल देखना है ना टीवी देखना है ना कुछ भी करना है ना खाना बना, इसीलिए हमारा ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसीलिए इसीलिए बोला जाता है रात में लगा के सोना है, मतलब वो क्या है ना जो ट्रीटमेंट का काम है ये, इसीलिए 25+ के दिए गए। जितना सारा अगर ज़्यादा किसी का स्किन खराब है तो इसको आप 18+ को दे सकते हैं। और कुछ जानकारी के लिए मेरे को मैसेज करें। थैंक यू सो